नमस्कार जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत आंडू शुभम शर्मा। आज हमने मैडम पुलिस अधीक्षक महोदया जी से बात करके जो है अपने द्रंग पुलिस चौकी का मामला उठाया और इन्हें बताया कि हमने सारी पंचायतों ने मिलकर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा हुआ है आदरणीय विधायक जी के साथ मिलकर। तो हम मैम से ये निवेदन आज यहाँ पर हमने किया कि जब तक सरकार के विचाराधीन जो है यह मामला है तो वहाँ पे पुलिस चौकी में ताले ना लगे और वहाँ पे जो है जो भी कानून के नियम के तहत जो है वहाँ पे पुलिस के कुछ कर्मचारी जो हैं वो वहाँ पे अपनी तैनाती दें ताकि हम जो हैं अपनी 7 से 8 बीघा जो विभाग की ज़मीन है हम उसकी देखरेख भी कर सकें और जो कानून की व्यवस्था हमारी वहाँ पे लच्चर बन रही है दिन प्रतिदिन उसको भी हम जो है संभाल सके। इसके बारे में आज SP मैम से हमने बात करी और उन्होंने कहा है कि वो SHO महोदया साहब से और DSP साहब से बात करके इसका समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद। CM साहब से हम मिले और आदरणीय विधायक जी के अध्यक्षता में हम जो है CM साहब से मिले। हमने उन्हें इस बारे में ज्ञापन सौंपा कि आप जो है इस पुलिस चौकी को पुनः यहाँ पे स्थापित करें और साथ में हमने उन्हें ज्ञापन सौंपने के साथ साथ जो हमारी स्थानीय नज़दीकी आधा दर्जन पंचायतें हैं हमने उनका प्रस्ताव भी जो है हमने उन्हें संलिप्त तो उसमें किया और मुख्यमंत्री साहब ने हमें कहा है कि इसका हल निकालेंगे और जो भी होगा हम विभाग से इसकी पूरी रिपोर्टिंग लेंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि सरकार जो है हमारी मांग को मानेगी और यह जो है समाधान हमें इस पुलिस चौकी को लेकर मिलेगा।